सबसे पहले इस बंगाल की धरती को नमन करता हूं, जिस बंगाल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में भेजा, उस बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूं। इसी बंगाल की धरती से बाबा साहब संविधान सभा में गए और इस देश का नहीं पूरे विश्व का महान ऐसा संविधान बाबा साहब ने भारत को दिया, ऐसे इस बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूं। उस समय भी इस देश का मुस्लिम बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए बाबा साहब के पीछे डट कर खड़ा था और आज भी उस संविधान को बचाने के लिए ये मुस्लिम भाई आज भी खड़ा है। ये देखकर आज मैं सही है बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से कहना चाहता हूं कि बहुत फैलावी नफरत की आग, बहुत जला लिया ये देश नफरत की आग में, बहुत जला लिया ये देश नफरत की आग में। प्यार भी प्यार मिलेगा, एक बार आइए इस शाहीन बाग में, इस शाहीन बाग में। देखो आज इस देश में जो सीए एनआरसी एनपीआर बना है, ये कानून केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून केवल एक धर्म के एक जाति के लोगों के अधिकार छीनने का काम नहीं करने वाला। इस देश में जब एनआरसी लागू होगा, सीए तो लागू होगा, तब इस देश का सबसे पहले बाहर जाएगा इस देश का आदिवासी, इस देश का हिंदू, एससी एसटी ओबीसी। इस देश में कानून इन्होंने ऐसा बनाया है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक के लोगों को इस देश में नागरिकता देंगे और इस देश के जो नागरिक है उनको 21 मार्च 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट मांगने, और जिसके पास 21 मार्च 1971 के डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं होंगे उनकी नागरिकता ये लोग छीन लेंगे। और क्या कहते हैं अमित शाह, कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे नागरिकता बनाने के लिए, नागरिकता सिद्ध करने के लिए? ये लोग कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, इलेक्शन आईडी नहीं चलेगा। 2019 में इस देश में इलेक्शन हुई, इस देश में जब इलेक्शन हो रही थी हमारे वोट लेने के लिए आधार कार्ड चल रहा था, हमारे वोट लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चल रहा था, इलेक्शन आईडी चल रहा था, राशन कार्ड चल रहा था, और जब नागरिकता देने की बात आ रही है तब कहते कि ये सारे कार्ड नहीं चलेंगे। मैं भी अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ठीक है कि ये कार्ड नहीं चलेंगे, लेकिन इस कार्ड के ऊपर, इस कार्ड के बदले में, इस कार्ड के बलबूते पर आप लोगों ने हमारे वोट लिए, हमारे वोट पर अपने सत्ता बनाई। अगर आज हमारे कार्ड नहीं चलते तो आपकी सत्ता भी नहीं चलेगी और उस करोड़ पर बनी हुई सरकार को भी आपको अघोषित, इसको इनवैलिड घोषित करना होगा, तब जाकर हमारे कार्ड आप लोग इनवैलिड घोषित करिए। देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीए एनआरसी एनपीआर का भविष्य क्या है। इस सीए के कानून का विरोध करने के लिए हमने खुद पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की। 22 जनवरी 2020 को इसकी पहली सुनवाई हुई। 22 जनवरी को जब सुनवाई हुई कि भारत की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑलरेडी 160 पिटीशन सीए के विरोध में आई है, अब सीए के विरोध में कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट नहीं स्वीकारे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर देश के लोग सीए के विरोध में पिटीशन दायर करना चाहते हैं तो वो उनका वो संवैधानिक अधिकार है, हम उनके अधिकार को नहीं छीन सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं,
सुप्रीम कोर्ट का जज भी कह रहा है कि संविधान में लिखे हुए अधिकारों को जो लोगों के हाथों में है उसको हम नहीं छीन सकते। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर चलता है। ये देश देखो, आज आप लोग बता रहे हो, आप लोग मेरा इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मैं बाबा साहब का परपोता हूं। हम लोग बाबा साहब के, तुषार गांधी जी के घर में जन्म ले होंगे, लेकिन हम बाबा साहब के गांधी जी के बच्चे नहीं हैं। इन महान नेताओं ने अपने घर वालों के लिए, अपने परिवारों के लिए आंदोलन नहीं किया। गांधी जी का परिवार तुषार गांधी नहीं, बाबा साहब का परिवार ये राजरत्न अंबेडकर नहीं, इन महापुरुषों का परिवार ये मेरे सामने है, ये है बाबा साहब का गांधी का परिवार। कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये देश आपके बाप के कानून पे नहीं, मेरे बाप के कानून पे चलेगा, मेरे बाप के लिखे संविधान पे चलेगा, आपके बाप गोलमोल करके संविधान पे नहीं चलेगा, उसके संविधान पर नहीं चलेगा। ये देश उस संवैधानिक माध्यम से ही चलेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि संविधान में अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आप लोगों को ये शाश्वती देना चाहता हूं, अमित शाह कह रहे कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। हम भी कहना चाहते हैं, हम एक इंच छोड़ो, हम तो चार कदम और आगे आ गए हैं। पूरा देश आज इस सीए एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों डर लग रहा है इनको संविधान से, संविधान को हटाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं। आज यही संविधान इस देश के हर एक इंसान को, हर एक बंदे को अधिकार दे रहा है। इन 70 सालों में देखो, ये संविधान लागू होने से पहले हम लोग इस देश में अनटचेबल्स थे, छूने तक का अधिकार हम लोगों को नहीं था, हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को बेघरों में बैठने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से जिस कौम को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, आज वो कौम हवाई जहाज उड़ाती है। ये बदल बाबा साहब के संविधान की वजह से इस देश में हुआ। देश के संविधान को हटाना चाहते हैं, फिर से इस देश में उनकी मनुस्मृति का कानून इस देश में लागू करना चाहते हैं। इस देश में बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मैं मोदी जी का, अमित शाह का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि उनके एक गलती की वजह से, उनके एक गलती की वजह से ये सारे लोग जो हिंदू बने बैठे थे, मुसलमान बने बैठे थे, क्रिश्चियन बने बैठे थे, बौद्ध बने बैठे थे, सिख बने बैठे थे, ये बाबा साहब के उस वाक्य के ऊपर ये सारे लोग आज भारतीय बना दिए। ये मोदी और गाय अमित शाह की गलती की वजह से आज हम सारे एक हो गए, वरना हम तो अपने अपने जातियों में धरने लगे पड़े। बाद सीए के बाद एनपीआर के बाद कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। और ये काम हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल माध्यम से कर रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही इंडिया में आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में, वहां के पार्लियामेंट को निवेदन देकर आया हूं कि आपके पास से एनआरसी और सीए का विरोध करने का रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए। यूएस में हम लोगों ने आंदोलन किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आंदोलन किया, आज के टाइम्स में पढ़ लो ये खबर, कोई आज तक नहीं बताएगा, कोई जी न्यूज नहीं बताएगा। वो अंजना को अभी कश्यप लगाना छोड़ देना चाहिए, मोदी लगाना चाहिए। ये कोई न्यूज नहीं बताएगा। आज के न्यूज पेपर में यूनाइटेड नेशन ने प्रधानमंत्री को लफड़ा है कि तुम्हारे देश में मुसलमानों के ऊपर ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और तुम लोग हमारे को झूठी जानकारी दे रहे हो। यूनाइटेड नेशंस ने इस देश के मुसलमानों के पक्ष में बाजू रखी। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, सीए एनआरसी छोड़ो, एनपीआर छोड़ो। ये लोग कहते हैं, अभी मोदी जी कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले, सीए लागू होकर रहेगा। मैं भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी आप नहीं, मोहन भागवत नहीं, गोलमोल कर भी ऊपर से नीचे आ गया तो भी इस देश में सीए लागू नहीं होने देंगे।
के सामने मोदी जी को फूल देना चाहता हूं। मोदी जी हमें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो रोग आपको लगा है, मुसलमानों के प्रति जो नफरत पैदा हुई है, ये जो मानसिक रोग आप लोगों को लगा है, उस मानसिक बीमारी से जल्दी इस देश का प्रधानमंत्री ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमको कि जिसके पास कागजात नहीं होंगे हम उसको नागरिकता नहीं देंगे, जिसके पास कागज नहीं है हम उसको नागरिक नहीं मानते। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी अगर आप हमको नागरिक नहीं मानते तो हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। ये देश, इस देश की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून है, हमारे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। आरएसएस ने एक नाखून नहीं काटा होगा, इतना सा बलिदान नहीं दिया होगा। आज भी इस देश का मुसलमान चार वक्त की नमाज अगर पढ़ता है तो पहले इस धरती को चूमता है, माथा लगाता है, इतना प्यार इस देश का मुसलमान इस देश की मिट्टी से करता है। और ये मैं आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि आज जैसे हमारे सभी लोगों ने कहा, मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज ये शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होगा, अब पूरा भारत शाहीन बाग होगा। ऐसा आंदोलन ये हम लोग पूरी देश में, पूरा देश में हम लोग खड़ा करेंगे, यही बात कहता हूं। और आज मुझे सभी लड़ाई में, मैं जब दिल्ली में शाहीन बाग में बैठा था, जिस दिन गोली चली थी, मुझे पता चला कि वहां पर फायरिंग हुआ है, तो मैं शाहीन बाग गया, वहां पे बैठा था, सबसे चर्चा कर रहा था। तब शाहीन सफीर भाई मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपको कलकत्ता बुलाना चाहता हूं। दूसरे तीसरे दिन मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहा था, तो मैंने कहा कि आप, मैं दो तीन हफ्ते भारत में नहीं। तो आज उन्होंने, जैसे ही मैं दो दिन में आया, उन्होंने आज मुझे बुलाया और सही मायने में मुझे मेरे इस पिछड़े हुए कौम से उन्होंने मुझे बुलाया, इसलिए मैं सफीर भाई का